अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप जहाँ पर भी हो ठीक हो। तो कुछ दिन पहले मैंने एक बच्ची ईमान फातिमा की वीडियो बनाई थी जो कि मेरे चैनल पर मौजूद है, और उसका जो थंबनेल है उसके ऊपर टाइटल जो है वो है प्लीज़ हेल्प फॉर ईमान फातिमा। तो वो बच्ची मुझे बाय चांस ऐसे रोड पे मिली थी अपनी अम्मी के साथ, और उसकी माँ जो है वो उसके लिए बड़ी परेशान थी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली थी और अपनी पहली बीवी और बच्चों को छोड़ दिया था। तो उस बेचारी की बच्ची काफ़ी ज़्यादा बीमार थी और उसके पास इलाज कराने के पैसे भी नहीं थे। तो मैंने उसकी थोड़ी बहुत हेल्प की थी और मैंने यहाँ पर भी वीडियो बनाई थी उसकी हेल्प के लिए, लोगों से बोला था और किसी ने उनके लिए कुछ पैसे भेजे थे जो कि मैंने उन तक पहुँचा दिए थे। वो मैंने उससे अगले व्लॉग में दिखा दिए थे कि मैंने उनको उनकी अमानत पहुँचा दी थी। बहरहाल जी, अभी मुझे एक नए नंबर से कॉल आई, तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और मुझे एक नए नंबर से कॉल आई, मैंने अटेंड की तो आगे से ईमान फातिमा की अम्मी थी और वो रोने लगी, कहती आप ही मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब है और दोबारा से ख़राब होने लगी है, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा अभी तो दोपहर का टाइम है, अभी मैं आपको नहीं बुलवा सकती, तो मैंने कहा आप शाम को 6 बजे दोबारा पार्क आ जाए, मैं आपसे मिल लेती हूँ। तो अभी मैंने उसको पार्क बुलवाया हुआ है, अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, इंशाल्लाह मैं शाम जो ही होती है तो मैं 5:30-6 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगी। फिर बच्ची की जो भी कंडीशन हुई ईमान फातिमा की वो मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी और फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं पार्क जाने लगी तो मुझे पार्क के गेट पे ही ईमान फातिमा और उसकी माँ जो है वो मुझे मिल गई हैं। यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ गुजर रही थी और उनका शोर था, साथ में कुछ घोटे वाले थे उनका भी शोर था, उन्होंने कोई अपनी मशीनें वगैरह चलाई हुई थी, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। बहरहाल ईमान फातिमा के जो पहले वाले फोड़े थे वो भी अभी सही करके ठीक नहीं हुए और उसको मज़ीद निकल रहे हैं, अब उंगलियों के अंदर हो रहे हैं। आप देखें ये पाँव की उंगलियों के अंदर, फिर हाथों की उंगलियों के अंदर, हाथों के ऊपर ये देखें। और फिर मैंने उसकी अम्मी को काफ़ी सख्ती से कहा है कि बच्ची के नेल्स तो काटे, इतने मैल से भरे हुए, इतने गंदे हैं, जब इतने गंदे इन्वायरमेंट में बच्चों को रखेंगे तो फिर ज़ाहिर है इसी तरह की चीज़ें उनके गले पड़ेंगी, ऐसी बीमारियाँ। बहरहाल ये देखें, नेल्स इतने बड़े बड़े थे और साथ में ये फोड़े भी निकल रहे हैं, दोबारा से बने हुए हैं हाथों पर और अब की दफ़ा सर पर भी निकल रहे हैं, और बच्ची की हालांकि अटेंड कराई हुई है फिर भी सर पर भी निकल रहे हैं। और ख़ुद मैंने फिर उसकी अम्मी के हाथ चेक किए तो उसके अंगूठों के दरमियान पर भी ये फंगस टाइप कुछ बना हुआ था, तो फिर मैंने उसे कहा कि आप पहले अपना भी इलाज कराएं, साथ में बच्ची के पूरे जिस्म पर, पेट पर अब हर तरफ निकल रहे हैं ये वाले दाने। तो हालत फिर उनकी ख़राब होने लगी, अभी भी हालत ख़राब ही है ज़ाहिर, इतनी छोटी सी मासूम सी बच्ची अल्लाह जाने कैसे सहती होगी इस तरह की चीज़ें, इस तरह की चीज़ों में अच्छी खासी ख़ारिश होती है और काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो अल्लाह ताला रहम करे, और अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहे तो मैं अगेन यहाँ पर अपना नंबर दे दूँगी। और उसकी माँ को मैं जो थोड़े बहुत मेरे पास थे मैं पैसे दे के आ गई, मैंने कहा आप वही वाली जो मेडिसिन है वो कंटिन्यू रखें जो आपने डॉक्टर का नुस्खा पहले लिया हुआ था, और मज़ीद मैं भी यहाँ पर अपील कर देती हूँ कि अगर कोई उनके लिए देना चाहे तो यहाँ पर जो नंबर मौजूद है इसके ऊपर आप जो भी उनके लिए हेल्प करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ पर पहुँचाऊँगी।